हुंडई इंडिया कुछ समय पहले लॉन्च हुई छोटी साइज की माइक्रो एसयूवी टाटा पंच का मुकाबला करने के लिए नई एंट्री लेवल एसयूवी लाने जा रही है, जिसका कोड नेम ai3 है। ये नई हुंडई माइक्रो एसयूवी 2023 तक लॉन्च की जाएगी और यहीं से माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में हुंडई की एंट्री होगी, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा डिटेल में। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इंजन 83 BHP की पावर और 144 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करती है और इसके साथ 5-speed मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन मिल सकता है। AI3 को 1 L 3-cylinder टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है, जो 100 PS की पावर और 172 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। इस इंजन के साथ सिर्फ 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिल सकता है। बात करें इस कार के सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर की तो हुंडई कैस्पर कई सारे आधुनिक फीचर के साथ आती है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील शामिल है। सेफ्टी और आराम के लिए एडवांस ड्राइवर एंड सिस्टम के साथ कार को 7 एयरबैग तक दिया गया है। बाकी फीचर्स में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, कई ड्राइविंग मोड्स और अगली सीट के लिए हीटिंग और वेंटिलेशन आते हैं। अगर बात करें कि हुंडई AI3 कार का मुकाबला इंडिया में किस किस कार से होगा, तो टाटा पंच के अलावा हुंडई AI3 का मुकाबला सेगमेंट के बाकी कारों के साथ भी होने वाला है। इनमें रेनो काइगर, महिंद्रा KUV100 और मारुति सुजुकी इग्निस शामिल है। टाटा मोटर्स ने 18 अक्टूबर को पंच माइक्रो एसयूवी को लॉन्च की थी, जिसकी शुरुआती एक शुरू कीमत 5.4 लाख रुपए है। इस कार के साथ 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 86 PS की पावर और 113 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने पंच के साथ 5-speed AMT और 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।